कन्यादा था किधर, अपन पहले ट्रेन में लोगों की पैकेट मारते थे और आज अपन किधर है। लेकिन ये बात मुझे भी याद है, हम सब पकड़े गए थे और आप भाग गए थे। क्या बात कर रहे अली भाई, भाग गए तो हम तीनों थे लेकिन पकड़े तो हम दोनों गए। बात तो तू सही बोल रहा है मिल्या। तो गन्या दादा के नसीब ने साथ दिया, बस तो अपन दोनों गए ना यार। लेकिन गन्या भाई इतनी चमक धमक आई कहाँ से बताओ, ये तो बता ही नहीं रहे आप। अरे सब पर इधर ही करोगे, कुछ खाना भी ना खाना है कि नहीं? हाँ चलो गन्या भाई, खाते खाते बात करते हैं। चलो क्या जिंदगी करते थे अपन, अभी देख मेरी जिंदगी कैसी हुई। हाँ भाई चलो अपन जश्न मनाते हैं। हाँ भाई चलो। चल चुटकी, आपल्याला कामाचं काहीतरी बघायला लागेल। काय रे सुजन, तुझ्या बहिणीला तू कामाला पाठवते, माझ्या बहिणीला तर मी कामाला नव्हतं पाठवत। आमच्यासोबत काम करते ते आम्हाला आवडणार नाही। हे तू काय बोलतोय, काम तर ठिकाणला करायला पाहिजे ना। सोनू आपण शिकलो नाही पण आपण आपल्या बहिणीला शिकवायचं। पण हे कसं शक्य आहे, काम तर तिघांना करायला लागेल ना। चला सांगतो, जर आपल्याला काय करायचं असेल ना आपल्याला आपल्या बहिणीसाठीच करायला लागेल। कहीं दर्द गम से बिलकती रही। क्या? हाँ भाई चल मार्केट में अपनी हवा करते हैं। पठान भाई ये जगह तो अपने लिए बहुत नई है, यहाँ तो पहले से ही कोई सारा होगा। पठान को देख के अच्छे अच्छे शेर अपने पंजे पीछे ले लेते। हेलो शेर किधर है तू, आज जी रे, आज तो घर पे आ जा। अम्मी को बोल मैं आता हूँ, मैं सुल्तान भाई के साथ हूँ। थोड़ा सुल्तान भाई अपने सामने से इतने दुश्मन है, क्या लगता है आपको कि सामने से बात करेंगे कि पीठ पीछे बात? बस आपको इतने दुश्मन नहीं बनाने चाहिए थे, क्या बोलते शोक भाई? कौन बोलता है कि सुल्तान भाई सामने से दुश्मनी करता है? दोस्त बना के काम हो सकता है शोएब, तो फिर दुश्मन क्यों बने? कहीं राख बन के सुलगती रही, कहीं दर्द गम से। दोन मिनटं थांब, सर्व कळेल। दो मिनट रुक बताता हूँ। चुटकी उठ उठ सवर भैयाला, हम जिसका इंतजार कर रहे थे देखो वो आ गया। मैं जिसका इंतजार कर रहा था देखो वो आ गया। बस दुआ में याद रखना।